को कल पकड़ते हैं चीट करते हुए, फिर जोर से चपेट मारूंगी ना। लखनऊ कैब ड्राइवर केस हुआ, व्हाट इज योर टेक कि लड़की ने सही किया या कर... जोमेटो केस में भी यही हुआ था कि लड़की होने का बहुत फायदा उठाती है। यू हैव अ बॉयफ्रेंड एंड ही इज नॉट गुड इन बेड, जिंदगी के प्लेजर का सवाल है। थिंक आई विल कॉम्प्रोमाइज, आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। Hi guys, welcome back to my channel. This is Karan S. Dhingra, your own the formal edit. आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है बिकॉज आज लड़की आने वाली है एंड यस दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन। कोई लॉयर है, कोई एक्टर है, कोई मॉडल है और साथ साथ कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी करती है। फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो, जिससे आपको सारे व्यूज मिल पाए। हम किस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, उनको क्या पसंद है, क्या वो हेट करती है जिस वजह से वो ब्रेकअप होते हैं, उनकी ब्रेकअप स्टोरीज एंड स्पेशली वी गोना टॉक अबाउट दैट लखनऊ केस जिसके बारे में सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की सवाल। ओके, इमेजिन आप अपने पार्टनर को कल पकड़ते हैं चीट करते हुए, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट रिएक्शन? मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए। ऐसे जोर से चपेट मारूंगी ना। I'll let karma decide what's best for him. And वहाँ पे भी वो फ्रैक्चर कर देना है। मैं उस इंसान से कभी शायद दोबारा बात करूंगी इस चीज की। चप्पल पड़ेंगे। I will cry. मेरी बेटा छोड़ दूंगी। You go off. Have fun with whatever. सीधा थप्पड़ आएंगे कड़क। मैं छोड़ दूंगी। Leave him that very second. और कोई excuse नहीं है cheating के लिए। So let's suppose आप एक long term relationship में एक लड़के के साथ, it's that time, that big decision time, मतलब वो शादी के घर पे बातें चल रही है and he gets financially weak. COVID का time है, job cut चल रही है, एकदम से financially weak हो जाता है. Will you stick with him or tata bye bye? सच बताओ। Broke भी हो जाए तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा because हम अपने bills खुद भरते हैं और कभी कभार लड़कों के भी भर देते हैं तो। ले ले, ले ले। मैं शादी शायद थोड़ी postpone कर दूंगी कि मैं उसे time दे दूंगी। In fact, I'll be with him and you know, उसको help करूंगी। Financial crunch तो किसी की भी life में आ सकता है। मैं उसको motivate करूंगी कि ये काम शुरू कर। उसमें potential है, so then yes, definitely I would support him. Unforeseeable circumstances, then I'm sticking with you, boo. If it was just because they got lazy and that's why they were financially weaker, maybe break up. अब मान लेते हैं कि आपको एक लड़का पसंद है बट आपकी फैमिली को बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत नफरत करते हैं आपके उस लड़के से वो, तो विल यू ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स या उस लड़के को वहीं पे छोड़ दो? एक चांस दूंगी प्रूव करने के लिए कि आप देख लो ये है वो है, बैकग्राउंड चेक कर लो। इट्स डेफिनेटली अ नो, देयर इज नो कन्विंसिंग, इट्स अ नो, सो इट्स अ नो। ए इमोशनल अत्याचार करके मैं उन्हें मना लूंगी। मैंने बोल देना है कि अगर इससे शादी नहीं करनी है तो फिर मैं शादी ही नहीं करूंगी। तो या इट्स लाइक अ मिडिल ग्राउंड, मैं कन्विंस करना चाहूंगी लेकिन अगर मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ वैलिड रीजन दे दिया है तो आई थिंक आई विल स्टिक टू माई पेरेंट्स डिसीजन। अगर वो मुझे कोई बहुत ही वैलिड रीजन देती है कि यू नो आई शुड नॉट बी विद दिस पर्सन, तो हाँ शायद मैं उनका डिसीजन एक्सेप्ट कर लूँ। अब हमें एक वियर्ड एनकाउंटर बताओ किसी लड़के के साथ, कभी कोई स्ट्रेंजर हो, एक्स बॉयफ्रेंड हो, पब्लिक में कोई भी मिला हो जिसने कोई ऐसी हरकत करी हो एंड यू वर लाइक अरे भाई। He started calling me and my phone rang what like 100 times, 500 times in a day. Teen class chota ek bachcha hai bas. Dheere dheere mera dost hai na wo aapko like karta hai. Ladke ka message aata hai aur us message mein kya likha tha? I want to marry you. Main us insaan se ek baar mili hu. I went on a date. ऐसे लाइक वॉलेट निकाल के रख दिया और इसे दिखा रहा है इसे 500 की गड़िया, हम तो इतने लाख रुपए में गाड़ी लेके आ गए। कि मेरे एक्स ने शादी कर ली मुझे प्रूव करने के लिए कि उसे कोई लड़की मिल सकती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत लड़कों को जानना होगा, मुझे भी जानना है। अभी बताइए कि वो बॉयफ्रेंड के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती है जिसके साथ आप फ्यूचर देखने लगते हो उसके साथ, फ्रॉम बॉयफ्रेंड टू हस्बैंड वाला प्रमोशन। टाइम देना, प्यार करना, पैशनेट लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, हाइजीनिक लड़के मुझे पसंद है, कुछ लड़के जो कैरन जैसे हो तो मजा ही हो जाए, मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है ना। एक तेरा एक मेरा इज्जत करता हो, वो मेरे लिए आईक्यू बहुत मैटर करता है। हाउ ही ट्रीट्स हिज पेरेंट्स बिकॉज दैट्स हाउ ही विल ट्रीट मी इन फ्यूचर। रिसेंटली एक लखनऊ कैब ड्राइवर केस हुआ, व्हाट इज योर टेक कि लड़की ने सही किया या गलत किया एंड ऑल्सो डू यू थिंक कि लड़कियां कभी कभी एडवांटेज लेती है इन द नेम ऑफ इक्वालिटी? लड़कियां शायद लड़की होने का बहुत फायदा उठाती हैं जिस जो इस केस में किया गया है। उसे इतनी ही चोट लग रही, हाउ वाज शी जंपिंग और कूद कूद कर कैसे मार रही थी। नॉट जस्ट द लखनऊ केस, जोमेटो केस में भी यही हुआ था कि लड़की ने जोमेटो वाले बंदे को फंसा दिया था और अभी भी यही हुआ कि बेचारे कैब ड्राइवर को फालतू में फंसा दिया। गर्ल शुड डेफिनेटली बी अरेस्टेड फॉर हर डीड एंड सल्यूट टू द ड्राइवर फॉर बीइंग सो काम थ्रू आउट। आई थिंक द गर्ल वाज रॉन्ग, उन्होंने ब्रेक दबाया था एंड उसके बाद में भी अगर वो उनको पीट रही है तो आई थिंक ये एडवांटेज लेने का तरीका होता है। इमेजिन यू हैव अ बॉयफ्रेंड एंड ही इज नॉट गुड इन बेड, विल यू ब्रेक अप विद हिम? ऑनेस्ट आंसर चाहिए मुझे।
जिंदगी के प्लेजर का सवाल है, उसको हम दावे पे नहीं लगा सकते ना, उससे प्यार बढ़ता है, अगर उसी पे प्यार ना हो तो बढ़ेगा कैसे? But if I love him, I think I'll compromise. I think it is a very important part of a relationship. मैं कोशिश करूंगी कि अगर कुछ हो सकता है सिचुएशन का तो किया जाए. Being good in bed matters and वो मेरे लिए फैक्टर हो सकता है ब्रेकअप का. He still loves me, is honest. I will never break up. So tell me those two bad things. अगर वो किसी लड़के में है, you will never date him. इधर से उधर गाड़ियां घुमा रहे होते हैं और बिल्कुल वेले होते हैं. झूठ बोलने वाले लड़के, मुझे सख्त नफरत है इन लोगों से. हम तो 5 दिन से नहीं नहाए. डम है, शो ऑफ है. तो टोटली मम्मास बॉय होते हैं जो आपको बताएं किससे बात करनी है, कहाँ जाना है, क्या करना है. एंड वो दो क्वालिटीज जिसको आप लड़कों में देख के यू आर लाइक ओह माय गॉड. इतनी बंदियों को अपने से कम नहीं समझते ना, क्लास लगते हैं मुझे. ऑनेस्टी एंड केयरिंग. ही इज लाइक एबल टू हैंडल सारी चीजें, मतलब मूड स्विंग. आपकी सक्सेस से इनसिक्योर या जेलस नहीं है. लास्ट क्वेश्चन है जो हम लड़कों को जानना है कि जब लड़कियां इकट्ठे होती है, मे बी व्हेन दे आर ड्रंक और पार्टीइंग व्हाट एवर, वो लड़कों के बारे में क्या गॉसिप करती हैं? द वाइब्स, द पर्सनल स्टफ, एवरीथिंग. इंटीमेट लाइफ विद द बॉयफ्रेंड. वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं कर सकती हैं. रिलेशनशिप के दुख, जो उस पे शक है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब हम डिस्कस करते हैं. तो आपने देखा हमारी ब्यूटीफुल गर्ल्स का डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट. अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो उसको शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना. और हाँ, आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या टॉपिक का नाम है. अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें.